go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कॉकटेल पैरट्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हमने इनकी मटकियां और बॉक्स लगा दिए थे। 8 दिन गुजर चुके हैं। 8 दिन बाद अब आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोग्रेस है 8 दिन की। जिस दिन हमने बॉक्स और मटकियां लगाई थी उससे अगले दिन ही देखें ये बॉक्सेस में जाना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें जी, काफ़ी पेयर हैं जो कि बॉक्स में एक दिन में ही जाना स्टार्ट हो गए थे। ये देखें, 4 बॉक्स मैंने लगाए थे और 7 मटकियां लगाई थी। इस केज में तकरीबन 27 पीस हैं। कुछ इसमें से पट्ठे भी हैं पिछले सीज़न के, वो ब्रीड नहीं करेंगे, बाकी सब ब्रीडर पेयर्स हैं। ये बॉक्स और मटकियों के अंदर इन्होंने अपनी सेटिंग लगाना स्टार्ट कर दी है। बॉक्स लगाए हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। ये देखें जी, सेटिंग वगैरह इन्होंने लगानी स्टार्ट कर दी है। काफ़ी पेयर आ जा रहे हैं। और ये देखें जी, इससे अगले बॉक्स में इसमें भी अग दे चुके हैं जी। ये 3रे दिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इस बॉक्स में इन्होंने कल भी एक एग दिया था जो कि इन्होंने तोड़ लिया था। पता नहीं इन्होंने तोड़ा कि किसी और पैरट ने आके तोड़ दिया। वो एग मैंने निकाल कर फेंक दिया। ये एग इन्होंने आज दिया है और ये बिल्कुल ठीक है, टूटा हुआ नहीं है। बाकी इन मटकियों में अभी तक कोई ब्रीड नहीं है। इस वाली मटकी में पेयर आ जा रहा है, इसमें भी कुछ नहीं है। बाकी ये 3 मटकियाँ इधर लगाई थी। ये देखें जी, 3रा दिन है और देखें जी इसमें फीमेल जाना स्टार्ट हो चुकी है। इस मटकी में भी कुछ नहीं है जी, पेयर आ जा रहा है। इस मटकी में भी एग दिए हुए हैं जी, आपको दिखाता हूँ। और एक ये बात भी कि ये सब पैरट्स हैंड टेम है, जिसकी वजह से मैं इनको डिस्टर्ब भी कर लूँ तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी के पास वाइल्ड होंगे यही पैरट तो हो सकता है कि वो अंडों पर बैठना छोड़ दें या अंडे तोड़ दें, इस तरह भी कोई सीन हो सकता है। ये देखें जी, इसमें भी अंडे दिए हुए हैं। ये मेल है, इसकी फीमेल बाहर निकल जाती है, ज़रा डरती है वो भी एंटेन। ये सब एंटेन पैरट्स हैं, इस वजह से ये सब मुझे पहचानते हैं। हाथ से पाले हुए हैं, ये ऊपर भी आ जाते हैं, हाथ से भी बैठ जाते हैं। इनका कोई मसला नहीं है मुझे कि ये अंडे तोड़ देंगे या बैठना छोड़ देंगे, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते। चार दिन गुजर चुके हैं मटकियां लगाए हुए, आज देखते हैं। देखें मटकियों में जा रहे हैं जी, तकरीबन काफ़ी पेयर जाना स्टार्ट हो गए हैं। ये फीमेल ने अंडे इधर दिए हुए हैं। कल की प्रोग्रेस में आपको इसका मेल दिखाया था मैंने, वो अंदर बैठा हुआ था। ये देखें जी, इस बॉक्स में भी जा रहे हैं। ये देखें, 2 अंडे दिए हुए हैं जी। इसने 3rd डे ही एग दे दिए थे, ये वो पेयर है। ये 7 वाले में पिछले दिन पेयर अंदर जा रहा था और एग नहीं था, आज एग आ चुका है जी। ये देखें, इसमें भी एग गया है। ये वही बॉक्स है जो मैं आपको बता रहा था कि 1st डे इन्होंने एग तोड़ लिया था, तो इसने फिर एग दिया था। पता नहीं आज एग दिया या नहीं, पर इसमें एग ज़रूर है। नेक्स्ट डे की वीडियो में आपको एग नज़र आ जाएंगे इसके भी। तो दोस्तों, आज 8 दिन हो चुके हैं। आज मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि इनकी क्या है, किस किस ने अंडे दे दिए हैं।
ये देखें जी, इस वाले बॉक्स में ये फीमेल जाना स्टार्ट हो चुकी है। ये पहले दिन इस बॉक्स में गई है, पहले इससे नहीं देखी मैंने बैठी हुई। ये देखें जी, अंडा इसने देखें अभी कोई नहीं दिया। ये 8 दिन में देखें जाना स्टार्ट हो गए हैं। इतनी अच्छी प्रोग्रेस आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ये देखें जी, इसमें अभी कोई पेड़ नहीं जा रहा इस बॉक्स में। इस वाले बॉक्स में भी एक पेड़ जा रहा है जी, आपको अंदर नज़र आ जाएगा। बीट वगैरह भी पड़ी हुई है, वो देखें। आगे चलते हैं, ये वो वाला बॉक्स है जिसमें एग दिए हुए थे, जिसने फर्स्ट एग अपना तोड़ लिया था, वो वाला ये पेयर है। इसके देखते हैं कितने एग्स हैं जी। ये देखें, फीमेल बैठी हुई है, 2 एग्स पड़े हुए हैं जी इसके। बाकी ये 4 मटकियां अभी खाली हैं। इन मटकियों में भी ये आ जा रहे हैं, पर अभी कोई एग वगैरह नहीं दिया। और इस वाली साइड पर ये 3 मटकियां हैं और तीनों में एग आ चुके हैं। ये देखें जी, ये पेयर आ जा रहा था, इसने कोई एग नहीं था दिया 4th दिन की वीडियो में, तो आज इसने एग दे दिए हैं जी। ये देखें, ये बाहर तो नहीं आ रही, पर एग आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके नीचे एग हैं। 2 एग तो नज़र आ रहे हैं, बाकी मुझे भी नहीं कंफर्म पता कि ये कितने एग हैं नीचे। तो ये आ गई हमारी अगली मटकी, इसमें भी इस मादी ने एग दिए हुए हैं जी। ये देखें जी, ये कितने टेम है कि ये डरते ही नहीं हैं। एग इन्होंने दिए हुए हैं, इनको मैं जितना मर्ज़ी डिस्टर्ब कर लूँ ये बिल्कुल भी हिलते ही नहीं है। ये देखें कितनी और हैंड टेम पैरट्स होने का ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि परिंदा आपका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता आपसे। ये देखें जी, एग नज़र आ रहे होंगे आपको, ये भी पता नहीं एक है या 2 है। इस मटकी में भी एग दिए हुए हैं इन्होंने। ये देखें जी, 3 एग हो चुके हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको इन सब के बच्चे दिखाएंगे। तो ये थी जी सारी कॉलोनी की प्रोग्रेस, जो कि 8 दिन में आई है बॉक्स और मटकी लगाने के ठीक 8 दिन बाद। कितने पेयर्स ने अंडे दे दिए हैं, तकरीबन 5 पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अंडे दे दिए हैं, और 2 से 3 पेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि जा रहे हैं मटकी और बॉक्स में। इस तरह की अच्छी ब्रीड लेने के लिए आपको ट्रिक्स बताऊँगा। दूसरा, इनकी फीड वगैरह क्या इनके लिए अच्छी है, क्या डाइट इनको देनी है, इस सब मालूमात के लिए मैं अगली एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ये रिंगनेक पैरट्स वगैरह मेरे, इनकी भी प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। इनके भी बॉक्स वगैरह कुछ ही दिन में लगा देने हैं, फिर इनकी भी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे, और इनके बारे में भी आपको पूरी मालूमात मिलेंगी कि क्या चीज़ इनको किस मौसम में और किस तरह देनी है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।